उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की एक चर्चित यूट्यूबर मालती चौहान, विष्णुराज मालती चौहान का जो है अभी देहांत हुआ है। जिस तरह से वो मतलब इतना कंट्रोवर्सियल हो रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, कभी बताया जा रहा है कि मालती चौहान जो है सुसाइड की है, कभी बताया जा रहा है कि ये मर्डर है। इसमें होता क्या, हम आपको बता दें, मालती चौहान और विष्णुराज के बीच में थोड़ी झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में। वो चीज़ इतना तुल पकड़ लेती है कि मतलब विवाद भी होता है उसके भाई को लेके। मालती चौहान का एक भाई है जिसका नाम अर्जुन होता है और वो उसी से प्रेम कर बैठती है जैसा उसका पति का कहना था, और उसी बीच में कुछ ऐसा कहानी बन के आता है कि फिर दोनों का शादी हो जाता है भाई बहन में ही। मतलब मालती चौहान का कहा जाए तो अपने भाई के ही साथ शादी हो जाता है इसका, जो शादी विष्णुराज खुद करवाता है। उसके बाद जो है मालती चौहान अर्जुन के पास चली जाती है, फिर बाद में विष्णुराज के साथ उसका क्या होता है कि मालती चौहान वापस से चली आती है और फिर विष्णुराज के साथ कुछ बातचीत होता है, उसके बाद जो है वो सुसाइड कर लेती है। अब इसमें कहा यह भी जा रहा है कि वो सुसाइड नहीं हत्या है, और इसी में गोरखपुरिया भौजी है गोरखपुर की, वो जो है काफ़ी इस मुद्दे को गर्माहट ला दिया है, मतलब कहे तो साफ तौर पे कहे तो कंट्रोवर्शियल मुद्दा को बना दिया है। तो इसमें अभी हमारे साथ रूपम कुमारी ब्लॉग्स है और इनके हस्बैंड है, ये लोग भी यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते हैं और इनका ब्लॉग चैनल है रूपम कुमारी ब्लॉग्स। तो सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। हाँ, न्यूज जितने न्यूज भाई वाले सभी को नमस्कार हमारी तरफ से, और आपका भी स्वागत है। रफ्तार भारत जितना भी सब्सक्राइबर भाई देख रहे हैं उनसे दिल से नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो इस तरह से कंट्रोवर्सियल हो रहा है ब्लॉगर को लेके, आप लोग भी ब्लॉग बनाते हैं, फ्यूचर में क्या लगता है आप लोग भी ऐसे ही करेंगे क्या? देखिए, इसमें बहुत बड़ा राज है। गोरखपुरिया भौजी नहीं कुछ कर अथी फोन से बात, जैसे अर्जुन है लड़का, उन्हीं को फोन करके दबाव डाला कि छोड़ दो उसको। अब बाद में फिर विष्णुराज के फोन करके कहा कि उसको रखो। मालती चौहान के टॉर्चर करता था गोरखपुरिया भौजी, दोनों मिल के जैसे ये क्या कहता है, नाराजगी ना होता है झगड़ा लगाने के, इन्हें उन्हें हाँ इन्हें उन्हें झगड़ा लगाने के, वह काम गोरखपुरिया भौजी ने किया। आपको कैसा लग रहा है इसमें, मतलब गलती किसका है? गलती अभी गोरखपुरिया भौजी के है गलती, इसलिए कि से गोरखपुरिया भौजी को बुलाएगा, ठीक है फोन के मालती चौहान अपने फया थी के लिए हमारा घर के मीटर समझा देगा, तो ठीक है फोन किए, गलती है मालती चौहान फोन किए। गोरखपुरिया भौजी क्या क्या किसे एक बार थार को घर में के मीटर घर में समझा देते, थाना जाना जरूरी था। इतने हम कहना चाहते हैं कि से गलत के अर्जुन के भी वो टॉर्चर बहुत किए हैं। गोरखपुरिया भौजी के अलग कुछ कहता था, अर्जुन के कुछ और अलग कहता था, इसलिए वो टॉर्चर में आके ही आत्महत्या करी है। इसमें दोषी दोनों है, अर्जुन और गोरखपुरिया भौजी। अर्जुन और गोरखपुरिया भौजी दोषी है दोनों। विष्णुराज जखनी झगड़ा होता था, इससे पहले भी होता था, बहुत बड़ा कांड होता था, तो मार नहीं देता, फैसला करके मैनेजिंग करके घर में आया था। वो रहेगा कि ब्लॉक वो बनाएगा या एक हम बनाएंगे अलग अलग, इसी कारण फिर टॉर्चर किया। तो ये अर्जुन नाम है, उनको गोरखपुरिया भौजी ने चढ़ाया कि आप उसको लाइए, जब शादी आप कर लीजिए तो उसको ले आइए। विष्णुराज मैनेजिंग गोरखपुरी और उस मालती चौहान के फेनु गोरखपुरिया भौजी कह रहा था कि आप विष्णु के पास रहिए, इसी के चक्कर में टॉर्चर के कारण वो आत्महत्या करिए। मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक गोरखपुरिया भौजी है, वो दोनों को उसी के टाइप से बात करती थी। कभी मालती चौहान को कहती थी तुम अर्जुन के साथ रहो, तो कभी विष्णु के साथ रहो। मतलब वो इस प्रकार से टॉर्चर हो चुकी थी, वो सुसाइड की है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं मर्डर है। अब इसमें जो है जब मर्डर की बात आती है तो उसका जो हस्बैंड है विष्णुराज का सीधे साफ शब्दों में कहना है कि जिस टाइम में वो आत्महत्या की थी हम स्टूडियो में थे, ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड ही है। गोरखपुरिया भौजी के उस कॉल डिटेल निकाले ना, सब मालूम चल जाएगा, किससे कितना देर बात हुआ, कौन नंबर पर क्या बात हुआ, सब डिटेल निकल जाएगा। ये प्रशासन का जांच का माहौल है, वो जांच करेंगे, सब डिटेल निकल जाएगा। अभी चिल्ला के बोल रहे थे न्यूज वाले सब के गाड़ी दे रहे थे, मतलब न्यूज वाले तो क्या करेंगे, वो तो इंटरव्यू लेवे ना करेंगे, तो उन लोग के गाड़ी दे रहे थे। गोरखपुरिया भौजी जो है इसमें पूरी तरह से कंट्रोवर्सियल मुद्दा बना दिया है, और हत्या है कि आत्महत्या है, वो अपना नाम कमाने के लिए फेमस होने के लिए वैसे कर रहे हैं। मदद करना होता तो सोशल मीडिया आके नहीं अथी करता, हल्ला करता उतना,
घर का मैटर घरे में जाकर सुलझा देता। अच्छा मान लीजिए कि आप लोग भी जिस तरह से ब्लॉग बनाते हैं, आपके अंदर भी कोई थर्ड पर्सन का आ जाए और इस तरह से आपके साथ जीवन में इस तरह से होने लगे तो फिर देखिए सभी आदमी के होता रहता है, तो थोड़े अति सोशल मीडिया पर डाल दे, हम लोग के भी होता है कभी कभी, तो थोड़े सोशल मीडिया पर अपना घर की इज्जत अपने घर में रखा जाता, ये सब अपना से सोशल मीडिया पर डाल डाल के अति के विष्णु राज के चढ़ा के कि उसको बेइज्जती करो, ये करो वो करो, कॉल रिकॉर्डिंग करना जरूरी था, अपना इज्जत अपने घर में मैनेज कर, कौन जानता, कोई नहीं जानता। चलिए आप लोगों के बीच में भी कभी कभी झगड़ा होता है क्या? वो तो थोड़ा झगड़ा होवे करता है क्या बोले किसे, कभी झगड़ा होता है तो घर में बैठ के रोलते हैं, फिर बात को समझा के फिर एक मिल जाते हैं। मतलब कोई तीसरा का आने का चांस नहीं मिलता, नहीं देते। जहाँ पे तीसरा का एंट्री हो गया वहीं से इतना बड़ा फसाद हो गया। हाँ, तीसरा कोई गोरखपुरी हो रहा था, गोरखपुरी भाभी को जो फोन किए ये बहुत गलती कर दिए, किस गोरखपुरिया एक के बार लेकर चल गए उधर कोर्ट के अथी में, गोरखपुरिया भौजी की हम भूखे प्यासे रह रहे हैं अथी कर रहे हैं, तो उसको बुलाने कौन जा रहा होते है। ये वो लोग का जब व्यूज डाउन होता है तो अपने आप में नौटंकी करने लगता है, झगड़ा फंसाना है, नौटंकी करना है आपस में, आपस यही। हम देखिए भाई कितना बड़ा कांड हो गया से, ऐसा करता तो नहीं होता। बाकी आप इस विष्णु राज और मालती चौहान के बारे में क्या सोचते हैं और इनके? विष्णु राज का गलती नहीं है उनका, उतना रहता तो कब के मर्डर कर देते, जैसे बुला के लाए कोर्ट से मैनेजिंग करके लाए, तो मर्डर करना होता तो शुरू में मर्डर कर देते, सोशल मीडिया पर भी नहीं आता। विष्णु राज को तो हमेशा झगड़ा लड़ाई होवे करता था, लेकिन इतना झगड़ा लड़ाई हो रहा था तो कभी नहीं मालती चौहान को फांसी लगा दी चाहे मर्डर कर दी। आज क्या हुआ से मर्डर फांस बोले विष्णु चौहान के फंसा रहे, विष्णु चौहान की भी गलती है और क्या बोलते हैं गोरखपुर के तो पूरा सा गलती है, और क्या में है और क्या बोलता है कि अर्जुन है मेन दोषी। आप देखिए गोरखपुरिया है तो टॉर्चर किया, आपको ना समझ में आए कि हाँ कि हमारे पास टॉर्चर दो चार बाल बच्चा है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं किसे नाम हमारे इज्जत अथी नाम नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिकली ये बात नहीं आना चाहिए था, पति पत्नी के बीच जो भी बात हुआ वो पब्लिकली नहीं आना चाहिए था। गोरखपुरिया भौजी का दोषी है और वो क्या नाम है उनका, मतलब अर्जुन का यही दोनों मिलके जो है ना ये पूरे मामला को कंट्रोवर्सियल के अथी है, अथी गोरखपुरिया भौजी मेन खेला खेली है, गोरखपुरिया भौजी मेन खेला पूरा, जो उनका पति भाग के गया था नेपाल, ये सब झूठ बात, वो सोची कि यह मुद्दा ऐसे ही करेंगे से पब्लिक से चुतिया बनेगा और देखेंगे। तो हम बता दें आपको कि बहुत ऐसे ऐसे भी यूट्यूबर है कि व्यूज जब उनका डाउन होता है तो वो तमाम तरह के नौटंकी करके और लोगों को चुतिया बनाने का काम करते, जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी है कभी अपने पति को कहीं भी भेज देती है, कहती है कि मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया और मीडिया में आके बाइट देने लगती है और इतना कंट्रोवर्सियल मुद्दा बना देती है किसी भी चीज को कि फिर उसका जो है व्यूज आने लगता है। मेरा भी दोस्त एक बोला था अलग का है मुजफ्फरपुर जिला का, तो भी बोला था कि तुम भी ऐसा करो, तो हम कहे कि नहीं झगड़ा हमको नहीं करना है, सोशल मीडिया पे नहीं देना है क्योंकि डालेंगे तो मेरा इज्जत है अपना, कहला हम झगड़ा करेंगे सोशल मीडिया पे डालेंगे ये सब हम नहीं करेंगे, वायरल होना होगा तो दर्शक लोग जहिया चाहेंगे तो यह वायरल कर देंगे। बाकी आप लोग इस खबर को किस प्रकार से लेते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।